विचार से जुड़ गया हो और वो विचार चैनल हो गया हो, तो निश्चित रूप से आज तक आज समाचार नहीं है, आज तक एक विचार के रूप में बढ़ गया है। और जैसा कि मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है, अगर कोई चीज है जो अक्षर है, जिसका शरण नहीं होता, तो वो होता है मात्र विचार। तो ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं आज तक को कि आप समाचार से अब आज विचार की प्रतिष्ठा प्राप्त अगर आपने की है, तो आप विचार के जैसे चिरंजीवी हूं, आयुष्मान। अब आपने एक बात की कि मैं अभी सुन रहा था, बड़ा अद्भुत आज तक के ऊपर ये जो आपने तालमेल बिठाया, और मुझे लगा कि इसको आपने साहित्य महाकुंभ नाम दिया है। और विश्वास कीजिए, आज कुंभ की परिभाषा मुझे आज समझ में आई। लोगों का अक्सर ऐसा सोचना है कि कुंभ में आप बिछड़ जाते हैं, ऐसा है ना, लेकिन आज मुझे कुंभ की एक नई परिभाषा बैठे बैठे समझ में आई कि जहां पर कुंभ वो होता है जहां आप अपनों से बिछड़ते हैं लेकिन आप अपने से मिल जाते हैं। तो साहित्य महाकुंभ में आज तक ने अपनों से बिछड़कर, कि मैं मतलब रेणुका जी और बच्चों से बिछड़कर, आज अपने आप से मिल गया हूं आपके इस मंच पर, तो ये बहुत बहुत, क्योंकि जब आप अपने आप से मिल जाते हैं तो फिर आप अपनों से वापस जुड़ जाते हैं और जीवन पर्यंत जुड़े रहते हैं, तो बहुत बहुत अभिनंदन। दूसरी चीज आपने बात करी अभी हमसे कि साहित्य, जो मुझे यही बैठे बैठे मुझे लगा कि शब्दकोश और साहित्य, इन दोनों में ही शब्दों के अर्थ होते हैं, लेकिन क्या वजह है कि शब्दकोश के रचयिता का नाम हमें याद नहीं रहता, लेकिन साहित्यकारों के नाम जब तक हम रहते हैं तब तक हमारे स्मृति पटल पर रहते हैं। उसकी वजह ये नजर आई कि शब्दकोश में शब्दों के अर्थ होते हैं लेकिन साहित्य में शब्दों के भाव होते हैं। तो साहित्य जो है वो कहीं ना कहीं भावों का संवाहक है, और मेरे लिए भाषा, जिसे आपने हिंदी कहा, तो मेरे लिए भाषा कभी विवाद का विषय नहीं रही, भाषा हमेशा संवाद का कारण रही है। और मेरा ये मानना है कि दुनिया के तमाम विवादों को अगर आपको हल करना है तो संवाद का सेतु स्थापित कर लीजिए, आप पाएंगे कि वो विवाद जो है संवाद में परिणित होकर कहीं ना कहीं हमारा और आपका संवर्धन करने लगे। सम्मिलित करने और विवाद में न पड़ने की जैसे आपने बात की, तो मंच पे इससे पहले जो चार लोग थे, जिनमें से दो को हम कहेंगे फिर भी एक ही प्रांत को का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन एक पंजाब, एक गुजरात, एक उत्तर प्रदेश और बोली बिहार की भी, तो उसके बीच साहित्य का मंच किस तरीके से सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि वो लोक, वो स्थानीय भाषाएं, वो सारा कुछ है। और इसीलिए मैं यहाँ पर अपने अपने इस जिस पर हम विमर्श कर रहे हैं हिंदुस्तान पर, कि वो हिंदी क्या है, क्या वो हिंदी उर्दू से मुक्त है, क्या वो हिंदी अंग्रेजी के शब्दों को खुद में स्वीकार कर सकता है, या फिर ये हिंदी एक शुद्ध क्लिष्ट हिंदी। देखिए, मेरा मानना यह है कि एक होती है धन की भाषा और एक होती है मन की भाषा। तो हिंदी जो है वो हमारे मन की भाषा है, और अगर हमारा मन स्वतंत्र रहता है और अगर हमारा मन समृद्ध रहता है तो विश्वास कीजिए दुनिया के जितने भी मानचित्र होते हैं वहां पर आप प्रतिष्ठित रहते हैं। अभी मैंने एक हिंदी के लिए एक कविता लिखी थी कि अंग्रेजी जो केवल धन की भाषा बोल सकती थी, रखी बाजार में वस्तु का केवल मोल करती थी, जुड़ी वो काम से इसलिए बनी वो मान की भाषा, बनी वो आज पूरे विश्व के अभिमान की भाषा। और हिंदी, हिंदी क्या थी कि हिंदी थी जो मन के बंद ताले खोल सकती थी, हमारी आत्मा और ज्ञान का पथ बोल सकती थी, बना के राज की भाषा, बहुत अच्छा किया तुमने हटा के काज से इसको, बहुत गच्चा दिया तुमने, और बना ले फिर से हम इसको व्यापार की भाषा, बना ले फिर से हम इसको घर परिवार की भाषा, बना ले फिर से हम इसको अपने प्यार की भाषा। क्यों कि अगर हम चाहते हैं हो कदर हिंदी की पग पग पर, उठो जागो करो हुंकार, पहुंचा दो इसे न पर, अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते, अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते, भले ही हो करोड़ों गुण तुम कुछ रच नहीं सकते,
महज भाषा नहीं, ये माँ हमारी हमको रचती है। हिंदी क्या है? महज भाषा नहीं, ये माँ हमारी हमको रचती है। बच्चे की लाज जब इसकी, हमारी लाज बचती है। और छोड़ा घर इसे तुमने तो तुम भी छूट जाओगे, ध्यान रहे। छोड़ा घर इसे तुमने तो तुम भी छूट जाओगे, और दुनिया नहीं तुम खुद ही खुद से रूठ जाओगे। तो क्या करें, उठो जागो, करो स्वीकार इसको, प्यार दो इसको, तुम्हारे मान का सम्मान का संसार दो इसको। फिर तुम नहीं ये सारी धरती डोल जाएगी, और तुम्हारे कर्म की गाथा ये सदियों तक सुनाएगी। कहेगी ये हमारे अन्नदाता ज्ञानदाता हैं, कहेगी ये हमारे मान और अभिमान दाता हैं, कहेगी ये हमारे क्लेश दुख और कष्ट भक्षक हैं, कहेगी ये हमारे धर्म गुरु और धर्म रक्षक हैं। तो ये मेरे लिए हिंदी है। मुझे लगता है यही सबके लिए हिंदी है, एक ऐसी बोली जिसे आपने माँ कहा है जी। और ये माँ जो सबको अपने आंचल में समेट के रखती है, और उसी तरीके से हम सब एक साथ, और ये हमारा हिंदुस्तान कहे हिंदुस्तान कहे उसी से जुड़ता है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज है, वो ये कि साहित्य आज सोशल मीडिया के जरिए भी जिंदा रहना शुरू हो गया है। आपने भी जो आप जो कविताएं लिखते हैं, जो लेख लिखते हैं, वो अगर किसी को पढ़ना हो तो फेसबुक पर जाकर भी आपका पढ़ सकता है, उसके लिए किताबों की आवश्यकता नहीं रह गई। ये फायदा है भाषा का। देखिए क्या होता है कि जिसे हम फेसबुक पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो विचार होते हैं, और विचार और साहित्य में बड़ा बारीक अंतर होता है। लेकिन ये एक दूसरे से गटमट नजर आते हैं, इसलिए हम जो साहित्य, जिनको हम साहित्यकारों की श्रेणी में रख देते हैं, हम जैसे लोगों को, वो मूलतः कुछ विचार होते हैं या विचारों का पुलिंदा होता है जिन्हें, और लेकिन साहित्यकार क्या होता है, साहित्यकार जो होता है कि जब किसी कथा में हमारी व्यथा का शमन करने की ताकत हो, तब कहीं वो साहित्य की श्रेणी में आता है। और हम और आप तो अपने वचनों से कहीं ना कहीं प्रताड़ना की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि हमारे वचनों में वो ताकत नहीं होती। तो एक पक्ष होता है, एक विचार होता है, एक नजरिया होता है, जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से रख देते हैं। एक सोशल मीडिया के ऊपर मैं इसको हल्के फुल्के, क्योंकि संगीत की बात है ना, तो एक लेख, एक व्यंग मैंने लिखा था सोशल मीडिया के ऊपर। मेरी एक मुलाकात एक सज्जन से हो गई, और ऐसे कई सारे सज्जनों से मेरी मुलाकात हुई। तो एक दिन ये कलम से ये निकला कि सुबह घर से निकला ही था कि एक सज्जन से मुलाकात हो गई। वो मिलते ही वो मुझ पे चढ़ गए कि आज देश को क्रांति की जरूरत है, देश में आंदोलन चल रहा है बदलाव के लिए, और आप एक्टिव नहीं है, चुप है। नहीं चुप क्यों नहीं होंगे, पेट जो भरा है आपका, बड़ी गाड़ियों में घूमते, लाल थे आप किस बड़े फोन पर जिसे लेके आप घूमते रहते हैं, एसी से निकलकर एसी में बैठने वालों ने इस देश की ऐसी तैसी कर रखी है। मैंने कहा भाई साहब हुआ क्या, बोले चुप रहिए आप, देश की जमीनी हकीकत के बारे में पता भी आपको, किसान मर रहा है, महंगाई बढ़ गई, दिनदहाड़े रेप हो जाते हैं, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, सड़क बिजली पानी, इंडिया गेट से लेकर कोल गेट तक, विज्ञापन से लेकर व्यापन तक, कितनी समस्या आएंगे ना आपको, सांसें खत्म हो जाएंगी पर समस्याएं खत्म नहीं होंगी। पर आपको, आप तो बस अपना ये स्मार्टफोन लेकर घूमते रहो, लानत है आपके फोन पर। एक तरफ हम लोग हैं जो प्राणपण से बदलाव के लिए जुटे हुए हैं, हम अपने परिवारों से कट गए, बीवी बच्चों की तरफ देखते भी नहीं है, पर हमें इसकी परवाह नहीं है। हमारे कारण ही आप मंगल पे पहुंच गए, और वहां पे पानी भी मिल गया। आप जैसों के घरों से रहते तो घर में भी पानी ना मिलता। नहीं आपने कभी सोचा, आपने कभी सोचा कि आपके इस मंगल के चक्कर में हमारी जिंदगी मंगल हो गई? पर आप तो सोचने लगे, आप तो बस अपना ये बड़ा फोन लेके घूमिए, बैठे ठाले बदलाव नहीं आता है। बदलाव के लिए कुछ करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, परिवार की समय देने पड़ता है, पर आप तो एक्टिव होने से रहे, मजे से अपने इस बड़े फोन को लेकर घूमिए। मैं शर्मिंदगी से गड़ गया और लगभग फुसफुसाते हुए कहा कि भाई साहब आप जिस बदलाव की बात कर रहे हैं वो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सब पहले जैसा ही तो है। वे भड़क गए, बोले दिखाई कहां से देगा यार, एक्टिव ही नहीं हो सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे आकर देखो, क्रांति मची पड़ी है वहां, वहां एक से एक देशभक्त मिल जाएंगे आपको। हम लोगों ने दिन रात एक करके धर्म से लेकर मर्म तक सबको बदल के रख दिया सोशल मीडिया पे। अब सिर्फ बराबर टैक्स जमा करके या रेलगाड़ी में टिकट लेके यात्रा करने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता कि लाल बत्ती हुई रोक गया, हरी हुई चल दिए,
है, कोर्ट कचहरी की दीवार में पान की पीक नहीं थूकेंगे, सड़क पर कचरा नहीं फेंकेंगे, बिजली पानी के बिल की चोरी नहीं करेंगे। नहीं भैया, हम तो समय से दफ्तर जाएंगे, जायज काम को तुरंत करेंगे, नाजायज काम को नहीं करेंगे, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करेंगे। जे सब सोचले हैं देशभक्ति नहीं है। मैंने कहा भैया तो देशभक्ति क्या है? अरे बोले जरा सोशल मीडिया पे आओ यार, लाइक डिसलाइक ठोको, समर्थन करो, करो थोड़ा गाली गुफ्तार करो, आंदोलन का हिस्सा बनो, अपने राष्ट्रप्रेम का सबूत दो, तब तुम देशभक्त कहलाओगे। बैठे ये जो बदलाव है ना, ये ठेले पे बिकने वाली मूंगफली नहीं है, गाठन नहीं दी और हटा लिया। बदलाव के लिए ऐसी तैसी करनी पड़ती है और करवानी भी पड़ती है, वरना कोई मतलब नहीं है आपके इस स्मार्टफोन का। और भाई साहब, हम आपको बाहर निकल के मोर्चा निकालने के लिए नहीं कह रहे हैं, वहां खतरा है, आप पिट भी सकते हैं। ये काम आप यार घर बैठे कर सकते हो। अभी हम लोगों ने इतनी बड़ी रैली निकाली, इतनी बड़ी रैली निकाली कि तत्कीन नीवे हिल गई, लाखों लाख लोग थे और हाई कमान को बयान देना पड़ा। मैंने कहा ये सब कहां हुआ? बोले सोशल मीडिया पे यार। इतनी बड़ी थूथू रैली थी, इतनी बड़ी थूथू रैली थी कि उनको बदलना पड़ा। मैंने कहा लेकिन ये सब बदलाव हवा में है यार, हकीकत तो वही है भाई साहब, पहले के जैसी बेफर्क है। बोले हकीकत की ऐसी की तैसी, हवा बदलो, हवा, हवा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो ये क्यों कहा जाता कि उसकी हवा बंद हो गई, उसकी हवा कैसे गई, उसकी हवा टाइट कर गई, उसकी हवा है, हवा में मत रहो, हवा खिलाफ है, हवा निकल गई, हवा बदल गई। बिना रोटी पानी के रह सकते हो? बिना हवा के 3 मिनट रह के बताओ तो जाना है। हवा बंद हो जाए तो सब हकीकत धरी रह जाएगी। हवा बदलो, हवा, नहीं तो पहले भी पिट रहे, आगे भी पिट रहोगे। मैंने कहा भाई साहब सभी देश को बदलने में लग गए तो फिर इसे बनाएगा कौन? कुछ मेरे जैसे बनाने वाले भी तो चाहिए। वे उखड़ गए, बोले क्या उखाड़ लोगे यार तुम, वो क्या उखाड़ लिया उन लोगों ने जो तुमसे पहले बनाने में लगे थे, ये बदलाव की हवा है, तुम बनाओगे? बदल नहीं, हमें निर्माण नहीं, बदलाव चाहिए। चुपचाप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ, नहीं तो जितने भी ग्रुप में हो रिमूव करवा देंगे, थूथू होगी वो अलग। और उन्होंने मुझे हद्दी सी गाली दी कि इंटरनेट का उपयोग न करने वाले कपटी, लानत है तेरे स्मार्टफोन पर, बदलाव का विरोध करने वाले अक्रांतिकारी जल कुकड़े। और वे हवा के तेज झोंके की तरह चले गए। मैं किन करता विमूर सा खड़ा सोचता रहा कि देश चलता नहीं मचलता है, देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है।